यूपी विधानसभा के चुनाव में खूब नए नए रंग दिख रहे हैं और नेता हमेशा की तरह पाला बदलना जारी रखे हुए हैं। इसी बीच पार्टियां उम्मीदवारों को टिकट देना शुरू कर चुकी हैं। जिसे टिकट मिला वो बादशाह है और जिसे नहीं मिला वो रो रहा है और नेताओं के बंगले पर धरना दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, ठीक वैसे वैसे नेताओं के भागने का सिलसिला तेज होता जा रहा है। पहले अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्मपाल सैनी जैसे ओबीसी नेताओं को अपने पाले में मिलाया तो बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा और इसी वजह से बीजेपी काफी पीछे चल रही थी। इसीलिए कहा जा रहा था कि बीजेपी समाजवादी पार्टी को कब झटका दे रही है। उसी कड़ी में बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा दांव चलते हुए मुलायम सिंह यादव के परिवार में ही सेंधमारी कर दी और बहू अपर्णा यादव को अपनी पार्टी ज्वाइन करा, सपा को बड़ा झटका दे दिया और अखिलेश यादव कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। अब इसी बीच अब बीजेपी शिवपाल पर भी नजर गड़ाए हुए है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं जब यूपी बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इशारा किया कि शिवपाल यादव समझदार नेता हैं और वह सोच समझकर फैसला लेंगे। अपर्णा यादव ने बुधवार को दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे। अपर्णा के बीजेपी में आने के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने इशारा दिया कि मुलायम परिवार से एक और सदस्य बीजेपी में आ सकते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि भविष्य में और मजबूत नेता बीजेपी में शामिल होंगे। शिवपाल यादव जाने माने राजनेता हैं और उनकी यूपी में काफी पकड़ रही है। यूपी चुनाव 2022 से पहले स्थिति बदली है। शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया सपा के साथ चुनावी गठबंधन में है। अभी भी जानकारों की माने तो 2017 की अपेक्षा बीजेपी इस बार अखिलेश से पिछड़ रही है और अखिलेश बीजेपी को तोड़कर आगे निकल रहे हैं। इसके साथ ही साथ 2017 में बीजेपी ने पश्चिमोत्तर में विजय पताका लहराकर सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार स्थिति कुछ बदली हुई है क्योंकि केंद्र सरकार ने कृषि बिल लाया जिसके खिलाफ किसान एक साल तक धरना देते रहे, तब जाकर केंद्र सरकार ने विवादित कृषि कानून वापस लिया। इसी से जाटलैंड कहे जाने वाले इलाके में बीजेपी की हालत काफी खस्ता दिख रही है क्योंकि जाट बीजेपी को वोट नहीं करने वाले। इसीलिए बीजेपी और इलाकों में हाथ पांव मार रही है कि कुछ भला हो जाए और इसीलिए छोटे दलों के साथ गठबंधन कर काम चला रही है। लेकिन अखिलेश यादव बीजेपी के बड़े सहयोगी रहे राजभर को अपना कर बीजेपी की हालत पूर्वांचल में पतली कर दी है। ऐसे में अब देखना होगा कि सियासी लहर के बीच शिवपाल यादव किधर जाते हैं और आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। लेकिन आपको बता दें कि जब इतना बयान लक्ष्मीकांत वाजपेयी की तरफ से आया तो शिवपाल यादव भी मीडिया के सामने आए और उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी के इस बयान का खंडन कर दिया और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो सपा के साथ गठबंधन में ही ठीक हैं और वो अभी कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन ये राजनीति है, कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं चलता है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और 10 मार्च को क्या रिजल्ट आता है। आपको जानकारी हो कि यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, यहां पर 7 चरणों में मतदान होना है। इन चरणों के तहत 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की सियासत पर कौन नया राजा बनेगा इसका भी फैसला हो जाएगा।